हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मेरी पूजा वगैरह हो गई है और मैं हो गई हूँ फ्री। मेरे बच्चे स्कूल गए नहीं हैं आज, क्योंकि ना आज थोड़ी है बच्चों मेरे को ना। हाँ जी, तो गाइस ज़रा इस निमृत को आप लोग समझाओ। निमृत को शर्म वरम नहीं आती बिल्कुल भी। कह रही है कल संडे की छुट्टी थी और आज की भी कर ली है इसने, और अब कल रुद्राक्ष को जाना है पिकनिक। तो यूं कह रही है कल की मेरी छुट्टी कराओ। गाइस आपको कल दिखाऊंगा व्लॉग बना के। नहीं, नहीं बना सकते, मेरी मैम क्लिप्स भेजेगी थोड़ी बहुत। हाँ तो वही डाल देंगे, थोड़ा सा फोटोज वगैरह फोटोज डाल देंगे। मैं तो सबसे पीछे बैठूंगा, मैं तो दिखूंगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि हम पार्ट गैंग बना के जाते हैं। पीछे जाते हैं मतलब पहली बार बैठते हैं, बैठते हैं। अच्छा, तो रुद्राक्ष ले आया सामान अपने लिए खाने पीने का। मैं बताता हूँ क्या लाया हूँ। तैयार हो गया रुद्राक्ष। एक तो मैं लाया हूँ थम्स अप की 40 वाली बोतल। हेलो तो बोल ले। हेलो गाइस, एक थम्स अप की बोतल और तीन तरीके के अलग अलग चिप्स, एक डार्क ग्रीन और एक ऑरेंज और एक अरे कौन सी थी पता नहीं, चॉकलेट लॉलीपॉप, चॉकलेट और टाइम पास के लिए लॉलीपॉप, केक और बस ये सामान ला। इसको एक सैंडविच भी दे रहा, कुछ रुद्राक्ष को सैंडविच भी दिलाना है। एक सुबह सुबह सैंडविच भी ला दूंगी। कौन से पराठे? आलू के पराठे ले जाएगा, कुछ भी ले जाऊंगा। तो गाइस कल इसको आलू के पराठे बना के दूंगी या मेथी के पराठे बना के दूंगी, कुछ तो दूंगी इसको। रोटी मम्मी देख रही है, ये करते हैं, ये उल्टी बातें मत करे करो। ये मुंह बना रही है तो इसे चीज दे दो निकाल के। नहीं अभी हम मैं नहीं दूंगा, अभी सब्जी लेने जा रहे हैं ना हम, और ला देंगे। क्या लेगी तू बता, कि वो क्या होते हैं, वो ट्रायंगल से क्या होते हैं रुद्राक्ष, वो तो खाती है डोरिटोस। डोरिटोस, चल डोरिटोस ला दूंगी तेरे लिए। ठीक है, तेरे लिए भी लाना है, तेरे लिए भी लाना है, पता लिया ना डोरिटोस। सॉरी टोस है। अरे क्यों नहीं लिखवाया भाई नाम? हाँ, जब बोल रहे अब मुंह बना रही है, बोल रही है कि अब मेरे को छुट्टी कराओ, मेरे को जाना है वहाँ पे। अब पहले पापा कहाँ जाना है? है पिकनिक। ये कह रही है मेरी छुट्टी करा दो स्कूल की। पहले जब हम पैसे दे रहे थे तो मना कर रही थी। इसकी समझ ही नहीं आती, अभी मेरे को शादी में जाना है, अभी जब भी छुट्टी होंगी। इन्हें खुद ही सोचना चाहिए, पढ़ाई का नुकसान थोड़ी ना करना चाहिए। निमृत पढ़ाई तो नहीं होगी। निमृत हाँ, इसके मन की कुछ कुछ होने लग गई है, पापा कह रहे हैं ना। करा दो ना पापा छुट्टी। क्यों, किस लिए, क्या बात है? करा दो बिचारी की। हमें क्या है, तू शादी तक, मैं शादी तक उठूंगी नहीं तेरे लिए, मैं करूंगी, तुमसे बोलूंगी ही नहीं। अब स्कूल जाओ, मैं नहीं बोलने वाली स्कूल के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मैं नहीं बोल रहा, अब मैं बोलूंगी भी नहीं। मैं तो तैयार रख लियो, तैयार है स्कूल। तू तो बदतमीजी नहीं दिखाती थी निमृत, अब तू भी दिखाने लग गई बदतमीजी स्कूल के लिए। मैं अब कल की नहीं, कल की नहीं, मैं अब बोलूंगी ही नहीं, मैं उठूंगी ही नहीं। मैं रुद्राक्ष के लिए सुबह पराठे बनाऊंगी बस, मैंने बोलना ही नहीं सुबह जाना है नहीं जाना। उठ जाना होगा तो उठ जाएगी अपना, मेरे को मतलब नहीं। हाँ बस तुमने बोल दिया तो बोलते रहो, तुम्हारे तुमने बिगाड़ रखे भी हैंगे कुछ। मैं तीन तीन छुट्टी थोड़ी ना कराऊंगी इसकी, मैं बोलूंगी नहीं अब, मैं नहीं बोलूंगी। हेलो गाइज, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज मैंने काम निपटाया है जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे ना नंद का लड़का आने वाला है, मुझे कराने हैं उससे कलर, क्योंकि ना उसने कलर वगैरह मतलब हेयर का, मेरे को सॉरी गाइज मुझे कुछ बोलना नहीं आता है इंग्लिश में, तो हेयर का सारा काम सीखा हुआ है उसने, मतलब हेयर एक्सपर्ट कह लो या कुछ भी कह लो। तो उसका फ्रेंड और वो आने वाले हैं, तो देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। और मैंने स्मूथनिंग वगैरह नहीं करानी, स्मूथनिंग वगैरह मैंने करानी नहीं है, तो केराटिन मैंने करानी है बाद में, तो मैं अब बाद में कराऊंगी क्योंकि मेरे पास नहीं बचा है अब टाइम। तो केराटिन के लिए मैं बोल रहा था मामी 3 दिन चाहिए, और शादी के लिए आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगी, तो आप बाद में कराना। मैंने कहा ठीक है चल बेटा। तो अभी मैं फिलहाल करा रही हूँ कलर, और मिलती हूँ आपको कलर कराने के बाद। तो गाइज आ गया है मेरा भांजा, ये देखिए इरा। हेलो। तो यही मेरे बाल हेयर, हेयर क्या करने वाले हो बता कलर दो। कलर कलर और कलर करना, बस हाइलाइट्स करने कलर करना है, और हेयर कट भी। और ये इनके फ्रेंड हैं। हेलो। ये भी हमारे भांजे जैसे ही हैं।
आज हम इनका हेयर कलर एंड हेयर कट करने वाले हैं, हाईलाइट प्लस बेस तो गाइज आपको अगर कराना है तो मैं आपका आपको इनका फ़ोन नंबर इस यहाँ पर दे दूंगी और आप भी करा सकते हैं। आप तिलक नगर में बेटा किधर हो? मैं नांगलोई। नांगलोई, अच्छा आ तो सकते हो ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो गाइज आप भी करा सकते हैं इनसे, बच्चों से इनका काम बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो ठीक है गाइज मिलते हैं आपसे। तो गाइज बच्चे चले गए हैं, उन्हें बेचारों को 12 बजे से 7 बज गए बेचारों को, क्योंकि मेरे बालों में कलर किया उन्होंने, मेरे बालों में कलर नहीं चढ़ा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, तो उन्होंने दोबारा से ट्रीटमेंट किया, बेचारों को डबल मेहनत करनी पड़ गई। तो गाइस पर रिजल्ट अच्छा आ गया, ये देखिए मेरे भी तो दिखा दो। और लगे हाथ, निमृत ने भी हाथ धो लिए बहती गंगा में। देखो गाइस आपको बांध के दिखा, ये देखो बहती गंगा में निमृत ने भी हाथ धो लिए, सबको धोनी चाहिए। तो गाइस मेरी भी कटिंग, उसने इतने लंबे लंबे बालों की कटिंग, इतनी छोटे छोटे बाल कर दिए। दिखा निमृत मेरे बाल, लगे हाथ बांधने ने भी अपने धोए लिए कल धोएगी। चलो कल सिलवा देंगे तेरे भी हम। मैं कह रही हूं कि वैसे तो कल मेरे को करवाने हैं हेयर स्पा, रात को चलोगे ना? देखो यहाँ तक थे मेरे बाल, यहाँ तक, यहाँ तक, और अब यहाँ तक हो गया, देख लो अभी। तो गाइज मैंने बाल करा के बहुत अच्छा अच्छा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हो रहा था। अब मैं दोबारा से जिम ज्वाइन करूँगी गाइज, क्योंकि ना अभी मेरे काम वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, शादियाँ वादियाँ निकल जाएँ, तो बीच में मेरे नंदोई जी की वजह से नहीं मैं जिम जा पाई, फिर त्यौहार आ गए थे, फिर मेरी तबीयत ख़राब, और अब शादियाँ वगैरह। तो गाइज अभी इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी, तो फिर मैं से सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ। तो गाइज़ क्योंकि मेरी दिक्कतें बढ़ रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से जिम ज्वाइन कर लूँ, रुद्राक्ष के पापा मेरे पीछे लगे हुए हैं, जिम वापस ज्वाइन कर ले। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर वाले, वो भी मेरे से पीछे पड़ रहे हैं कि ना तुम जिम ज्वाइन मतलब कर लो। तो गाइज़ मैंने सोचा है कि मैं फिर दोबारा से जिम ज्वाइन करूँगी। तो ठीक है गाइज़, मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मी आप जिम ज्वाइन कर लो, आप सही वेट लॉस कर लिया था आपने। मैंने गाइस मैंने 2 हफ्ते में 3 किलो वेट कम करा था, गॉड प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं बच्चों, गॉड कसम को, हाँ गॉड प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं वो तो मैं आगे के लिए बोला जाएगा ना वो तो। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब जो भी बोलते हैं गॉड प्रॉमिस है, बोल दो ना। हाँ तो कसम वसम खानी नहीं चाहिए, झूठे लोग कसम खाते हैं, सच्चे लोग नहीं खाते कसम। तो गाइज जो भी है एक्स वाई जेड, तो मैं बाद में जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ शादी ब्याह से। तो गाइज ज़रा आप मुझे बताइए कमेंट में मेरे बाल पहले से कैसे लग रहे हैं, आपने पहले भी देखे होंगे गाइज। पर चिंटू ना बहुत छोटे कर गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत चिंटू ने छोटे कह रहा था, पर वो कह रहा था मामी आपके ना डैमेज बाल ही निकाले, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकाले, मुझे भी पता था आपकी लेंथ बहुत सुंदर थी, लंबी थी, पर ना पीछे से आप देखते छोटे बड़े हो रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, बढ़ जाएंगे, घर की खेती है। तो ठीक है गाइज मिलती हूँ। रुद्राक्ष गया था पिकनिक, तो रुद्राक्ष देखिए सो रहा है, 7 बज गए अपने घोड़े गधे सब बेच के। और निमृत कर रही थी सुबह नखरे कि मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, भैया जी वहाँ जा रहे हैं। गाइस इनके ना नाइंसाफी होते हैं मेरे साथ में छोटे, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। और अभी तुम्हें शादी में जाना है तो फिर क्या करोगे तुम? गाइस एक बात बताओ, देखो ऐसा ही था जैसे भैया के, मैं देखो मेरी जो पिकनिक थी ना जो भैया की, उस दिन पहले उससे एक दिन पहले उससे छुट्टी हो गई थी, और जब जब मेरी पिकनिक थी ना जब भैया गए नहीं थे, भैया ने छुट्टी मार ली। तो गाइस ये गई कहाँ थी जी? मैं यूं कह रही थी मैं मुझे सोना है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है गाइस मेरा फोन आ रहा है मेरी चाची का, तो मैं फोन
फोन अटेंड करती हूँ तो फिर मिलती हूँ।